और आज हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए से कि कुवैत मेडिकल टेस्ट करवाने से पहले हमें क्या सावधानी बरतना पड़ेगी और मेरी रिपोर्ट कैसे नॉर्मल आए और कुवैत मेडिकल टेस्ट में हम कैसे पास हो, इसी की टॉपिक के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और बगैर वीडियो को स्किप किए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुवैत मेडिकल टेस्ट के दौरान आपको जो सावधानी करना पड़ेगी वो सावधानी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब तक मेडिकल टेस्ट ना हो जाए आपका, तब तक आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है और ठंडी चीज़ों से बचना है। जैसे ठंडी चीज़ों में जो भी आपको महसूस होती है कि हाँ भाई ठंडा फ्रिज का पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, चावल हो गया, या जो भी चीज़ें आपको ठंडा महसूस करे, जकड़न महसूस करे, तो इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं, जैसे कि कुवैत कंट्री में हैं, तो कभी कभी एटमॉस्फेयर मौसम के चेंजिंग से या देश की बदलाव से कुछ मौसम में तब्दीली होने की वजह से भी सर्दी जुकाम बुखार या आपको जकड़न या सीने पे भारीपन या बलगम महसूस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट होता है वो ब्लड का और एक्सरा, तो एक्सरे में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए आपको गर्म पानी आपको इस्तेमाल में करना है खाना खाने के बाद भी, और रात में हो सके तो गुनगुने पानी के साथ हल्का से नमक मिला करके आप गलाला वगैरह भी करके सोए और थोड़ा पानी आप पी भी सकते हो। इसके अलावा अगर आपके ब्लड में प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो चेंजिंग नहीं की जा सकती, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लड टेस्टिंग में जो डिजीज़ आपकी बॉडी में निकलती वो ऑलरेडी है या हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आप अटेंडम आप उसको बदल नहीं सकते, ना ही इतनी जल्दी आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं मेडिसिन के तहत। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार के अलावा आपको जकड़न महसूस हो रही है या खांसी आ रही है, तब आप कफ सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए एक और न्यूज़, एक और जानकारी, एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कुवैत आ रहे हो सके तो अपने साथ आप एक कफ सिरप भी लेकर के आओ। सपोज दैट मौसम के चेंजिंग के वजह से अगर आपको खांसी या जकड़न या बलगम आता है तो आप मेडिकल टेस्ट कराने से पहले अपने को ठीक कर सकते हो खुद ब खुद और एक अच्छी दवा के तहत। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी और आपका अकामा बन जाएगा। लेकिन जो बंदा सफ़र पे गया है और सफ़र से रिटर्न आया है और उसका अकामा चेंज होना है और रिन्यूअल होना है अकामा, उसका भी मेडिकल आपको देना पड़ेगा। और अगर वो बंदा मेडिकल टेस्ट देता है तो उन सबको भी ये सावधानी करना पड़ेगी। कुवैत मेडिकल टेस्ट के दौरान क्या क्या सावधानी करना पड़ेगी, कैसे आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों की वीडियो यूट्यूब चैनल पर मेरे लोगों पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारी वीडियो आपको मिलने वाली हैं, और चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मेडिकल लाइन की जो दो चार वीडियो हैं पूरी आप देख लेंगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नई नॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।